त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दे। हमने देखे जलाभिषेक किया है शिवलिंग पर, हम सब पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। और मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ और अपने धर्म का और सभी धर्म के सम्मान करने वाला व्यक्ति हूँ। और हम चाहते हैं कि देश में भाईचारा और शांति बनी रहे। तो ये बताइए कि मोहम्मद साहब का जो मतलब कि जो फोटो हो क्यों नहीं बनाई जाती है? क्योंकि वो इस्लाम में ममनू है, मूर्ति पूजा ममनू है ना इस्लाम में, तो हम किसी भी मुकद्दस शख्सियत की फोटो नहीं बनाते। तो फिर आप जो मक्का है वहां पर शिवलिंग की पूजा क्यों करते हैं? अरविंद भाई हमारी स्ट्रीम कॉमेडी के लिए नहीं है। मुझे एक बात जाननी है, ये भाई अभी तक इसलिए वेट कर रहे थे? वाकई सच में बड़ा अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है अरविंद भाई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इस वीडियो क्लिप को दिखाने के पीछे बहुत ही जरूरी मैसेज देना है। कई सारे मुस्लिम लोग ऐसे हैं जिनको कुरान और हदीस की नॉलेज नहीं है। अल्लाह पाक ने कुरान में किन चीजों को करने के लिए कहा है और किन चीजों से रोका है, ये हर मुसलमान को जानना जरूरी है। और जिन लोगों को कुरान और हदीस की नॉलेज नहीं होती है वही ऐसा काम करते हैं और ये इसे भाईचारे का नाम देते हैं। भाईचारा बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप शिर्क करें, ये तो वो गुनाह है जिसकी माफी बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह पाक हर गुनाह को माफ कर देंगे लेकिन शिर्क को बिल्कुल भी नहीं। और ऐसी ही वीडियोस को देखकर हमारे मुस्लिम भाई बहन गुमराह होकर शिर्क कर रहे हैं और कई सारे हिंदुओं को ये भी लगता है कि मुसलमान शिवलिंग की पूजा करते हैं। और पता नहीं ये बात किसके दिमाग में चली थी कि उसने ये कह दिया कि खानाए काबा पर जो ब्लैक स्टोन है जिसे हजरे अस्वद कहते हैं वो शिवलिंग है। ऐसी बातों पर तो हंसी भी आती है लेकिन इसके बारे में आप तक सही नॉलेज पहुंचाना भी जरूरी है। तो आज इस डिबेट में एक ऐसे ही इंसान से पाला पड़ने वाला है जो ये समझता है कि मुसलमान मक्का में शिवलिंग की पूजा करते हैं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और नॉलेजफुल भी है, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा और वीडियो को जरूर से लाइक करके जाइएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई बोलिए। ये बताइए कि आप ये मानते हैं कि कुरान जो है वो सभी सत्य विद्याओं का आधार है? आसिम भाई। जी जी अरविंद भाई, हम ये मानते हैं कि कुरान जो है वो तमाम सच्चाई की बुनियाद है। और आप ये मानते हैं कि अल्लाह सबके लिए है? बिल्कुल, सबका रब है वो, रब्बुल आलमीन है वो। अच्छा, तो ये बताइए कि अल्लाह फिर काफिरों को मारने के लिए क्यों कहता है? कहाँ कहा है मानने के लिए, थोड़ा बताएं हमें। कुरान अरविंद भाई मैं एक बात कह दूं, ये अरविंद भाई ना ये बहुत पुराना हो गया है सवाल यार, मतलब अब सुन सुन के है ना वही बार बार, अब तो बच्चों को उसका आंसर। ये बताइए, अच्छा, तो ये बताइए कि मोहम्मद साहब का जो मतलब कि जो फोटो हो क्यों नहीं बनाई जाती है? क्योंकि वो इस्लाम में ममनू है, मूर्ति पूजा ममनू है ना इस्लाम में, तो हम किसी भी मुकद्दस शख्सियत की फोटो नहीं बनाते। तो फिर आप जो मक्का है वहां पर शिवलिंग की पूजा क्यों करते हैं? अरविंद भाई हमारी स्ट्रीम कॉमेडी के लिए नहीं है। मुझे एक बात जाननी है, ये भाई अभी तक इसलिए वेट कर रहे थे? वाकई सच में बड़ा अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है अरविंद भाई, प्लीज ग्रो अप यार, व्हाट्सएप से निकलिए, दुनिया बहुत बड़ी है। अगर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे ना, व्हाट्सएप मैसेजेस नहीं, थोड़ा सा पढ़ेंगे, अपने आप को इनलाइटन करेंगे, तो आपके सवालों पर हम हंसेंगे नहीं। देखिए आपसे पहले भी और लोग आए थे, वो मुसलमान नहीं थे लेकिन हम उनसे एंजॉय कर रहे थे, डिस्कशन बड़ा अच्छा था, फ्रूटफुल डिस्कशन था। एंजॉय मत कीजिए, मैं जो पूछ रहा हूँ कि आप उसका जो है जो पत्थर जो वहां पर मतलब शिवलिंग है उसकी आप पूजा क्यों करते हैं वहां पर उसका? अब आपको दो चीजें साबित करनी पड़ेंगी, पॉइंट नंबर वन कि वो शिवलिंग है, पॉइंट नंबर टू हम उसकी पूजा करते हैं, साबित कीजिए फिर जवाब दूंगा। बिल्कुल, पूजा करना करने का मतलब ये है, पहले तो साबित करें कि वो शिवलिंग है, इसका सबूत दीजिए और ऐसा सबूत दीजिए कि हम उसका इनकार न कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, उसका जो पत्थर है वो अपने आप दिखाई देता है, वो काला पत्थर है और वो काला पत्थर शिवलिंग ही होता है। अच्छा, दुनिया में जितने काले पत्थर है सारे शिवलिंग है? काला पत्थर शिवलिंग ही होता है, तो दुनिया में सारे पत्थर काले शिवलिंग होते हैं क्या, जितने भी काले पत्थर है?
नहीं, जितने सभी जितने काले पत्थर है, मतलब कि पत्थरों की पूजा जो हो सिर्फ हिंदू मतलब नहीं, 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 आपने कहा वो शिवलिंग है चूंकि वो काला है तो हर काला पत्थर शिवलिंग हुआ। नहीं, हर काला पत्थर जिसकी पूजा होती है वो शिवलिंग ही है। हर काला पत्थर के जिसकी पूजा होती है वो शिवलिंग है, तो ये भी दावा है। अब इसकी दलील दीजिए। जी बिल्कुल, तो जो मक्केश्वर शिवलिंग था जो अच्छा, कभी हाँ, ये मक्केश्वर, ये मक्केश्वर जो है ये किसी स्क्रिप्चर्स में आपके नाम लिखा हुआ है कहीं? हाँ हाँ, ये स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है, तो वही शिवलिंग जो है वो वहां पर मक्का में मौजूद है और उसी अच्छा। की आप लोग परिक्रमा करते हैं, यानी अच्छा। कि आप जाने ना जाने आप शिवलिंग की पूजा करते हैं, आप बताते हैं कि मूर्ति पूजा का आप लोग विरोध करते हैं। और अच्छा। दूसरी चीज ये, चले एक मिनट थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ मैं आपकी बात, अगर थोड़ी देर के लिए सही मान लूं तो आप हमारे आप में तो कोई डिफरेंस रहा नहीं अब? नहीं, हमारे आप में सत्य का डिफरेंस रहा कि आप भाई ये आप भी वही कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं, तो फिर डिफरेंस कहाँ रहा? नहीं भाई, भाई। क्योंकि हमारे में डिफरेंस ये रहा कि हम जो है हम मानते हैं कि हम ही ब्रह्म हैं, हमारे अंदर ही ईश्वर है। आप मानते हैं कि आपका ईश्वर सातवें लोक में रहता है। ओहो, अभी आपने कहा कि आप मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करने में हमारे और आप में कोई फर्क है? नहीं, मूर्ति पूजा करने में फर्क नहीं है, लेकिन आप भी हमारे अंग है, लेकिन आप ये नहीं मानते हैं कि ईश्वर आपके अंदर विद्यमान है। चले चले एक मिनट अरविंद जी, मतलब इस हिसाब से अगर ये जो क्राइटेरिया बना रहे हैं तो ये बौद्धिस्ट आपसे अलग हैं? बौद्धिस्ट हमारे ही अंग हैं, लेकिन नहीं वो नहीं मानते, वो नहीं मानते इस बात को कि ईश्वर जो उनके अंदर रहता है। वो नास्तिक लोग हैं, मतलब नास्तिक वो ये नहीं मानते कि ईश्वर उनके अंदर है, तो वो और वो आपका, अच्छा आपका अंग वो इसलिए है ना चूंकि आपके यहाँ पैदा हो गए, आप अगर साइबेरिया में पैदा होते तो आपके अंग को ही होते वो? नहीं, वो हमारे अंग होते? नहीं, वो हमारे अंग इसलिए हैं क्योंकि वो हमारे वेद की विद्याओं का ही प्रचार प्रसार करते हैं। बिल्कुल गलत गलत बात अरविंद जी, उनको नास्तिक ही इस बुनियाद पे कहा जाता है कि वो वेद में बिलीव नहीं रखते। नहीं, वो वेद की अथॉरिटी को नहीं मानते जनाब। और क्या आप सिख के बारे में क्या कहते हैं कि वो भी आपके अंग है, वो भी नहीं मानते कि ईश्वर जो है उनके अंदर रहता है सिख? नहीं, बता रहा हूँ पूरे उनके नहीं, नहीं, आपने कहा ना कि आपने कहा ना कि जो ये आप इसलिए अलग है हमसे कि आप ये नहीं मानते कि ईश्वर जो है वो आपके अंदर है, तो वो तो बौद्धिस्ट भी नहीं मानता, वो तो सिख भी नहीं मानता, तो फिर क्यों उनको आप अपना अंग बना रहे हैं? उनको भी दूर करें फिर अपने से। इसलिए बना रहे हैं कि बना नहीं रहे बल्कि वो इसलिए बना रहे हैं, वो कह रहे इसलिए बना रहे हैं बनाइए क्योंकि वो उपनिषद की बातों का ही प्रचार प्रसार कर रहे हैं। नहीं करते भाई, किसने कह दिया आपसे? नहीं करते हैं, उनकी अपनी किताब है, आप किसी सिख से पूछिए ओके हमें क्या लेने देना है उपनिषद और वेदों से, हमारी अपनी किताब है। उन्होंने जो ज्ञान लिया है वो वेदों से ही लिया हुआ है, बाद में उसका विरोध। भाई ये तो आपका दावा है ना, ये तो आपका दावा है ना, उन्होंने ज्ञान जो है वो वेदों से लिया है और आपने किससे लिया है? एक्समुस्लिम से? वो वेदों से लिया। अरविंद भाई अब मैं बता रहा हूँ आपको कि आप क्यों उनका अंग बना, उनको जो है अपना अंग बनाते हैं, क्योंकि आपको जो है मुसलमानों की दुश्मनी जो है पूरे इसमें फैलानी है, सारे लोगों को ये बताना है कि हम सब तो एक हैं, बस इनको भगाओ यहाँ से, मुसलमानों को भगाओ यहाँ से, ठीक है? बस इसलिए जो है आप उन लोगों को भी अपना अंग बना रहे हैं जो आपके अंग नहीं है, मतलब खामखा जो है आप न जान न पहचान खाला मसलाम वाला हाल है। अच्छा अच्छा, जब लोग जब मुसलमान नहीं थे ना इंडिया में तो बुद्धिस्ट इनका अंग नहीं थे, बल्कि वो तो बल्कि उस वक्त ऐसी दुश्मनी थी कि ये उनका उनकी नस्ल कुशी कर रहे थे, उनका जेनोसाइड कर रहे थे। नहीं नहीं जी, कोई जेनोसाइड नहीं हुआ है, मुसलमान को हम भगाने के बाद नहीं कर, हम कह रहे हैं जो सत्य है उसको स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए। तो भाई अब सत्य को आपको साबित करना पड़ेगा ना, अभी तो आपके दावे ही दावे हैं कि जी काला पत्थर शिवलिंग होता है, तो भैया मेरे घर में जो है किचन में काला पत्थर लगा हुआ है, अब आप कहेंगे ये भी शिवलिंग है उसकी पूजा करेंगे तो मैं खाना हम कहां से खाएंगे, खाना कब बनाएंगे? अब आप हर काले पत्थर को अगर क्लेम कर देंगे दुनिया में, ये क्या तरीका है? आप उसकी पूजा करते हैं, तो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि हम काबे की पूजा करते हैं, साबित कीजिए इसको। आप वहां पर जाते हैं, उसको चूमते हैं, जल चढ़ाते हैं और उसके बाद में उसकी परिक्रमा करते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं, 12 लिंग। आप अपनी बीवी को चूमते हैं? नहीं, आप किसको? अपनी बीवी को चूमते हैं, तो इसका मतलब चूमना अगर पूजा है तो आप अपनी बीवी की पूजा करते हैं? नहीं नहीं नहीं, आप उस पत्थर को जो हिंदू लोग करते हैं। अभी आपने क्राइटेरिया दिया, चूंकि आप चूमते हैं लिहाजा ये पूजा है, आप अपनी बीवी को चूमते हैं तो आप अपनी बीवी की पूजा करते हैं? नहीं, चूमने का अर्थ यहाँ पर दूसरी प्रकार से लिया जा रहा है। अब इसका मतलब चूमने चूमने में फर्क है,
भावना में फर्क है, भावनाओं में फर्क है, ठीक है। तो यानी अब आपको कैसे पता कि हमारी भावनाएं क्या है? भावना तो इंटरनल चीज है। आप हम जब ये कह रहे हैं, हम जब ये कह रहे हैं कि हम इसको नहीं पूछते, आप इस काले कमरे को उठाकर कहीं और ले जाइए, हम तब भी उसी डायरेक्शन में नमाज पढ़ेंगे। काला कमरा हमारे लिए दीवारें इंपॉर्टेंट नहीं है। हजरत उमर रजी अल्लाह उनका नाम अगर नहीं सुना तो आज सुन लीजिए कि जब वो हज पर गए तो उन्होंने काले पत्थर को एड्रेस करके ये कहा कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे न चूमा होता तो मैं कभी सुबह कयामत तक तुझे नहीं चूम सकता था। तो असल में अगर अगर उस काले पत्थर की पूजा होती तो हजरत उमर रजी अल्लाह ये ना कह रहे होते। कुरान करीम में वो काला पत्थर कहाँ फिट है? वो काला पत्थर है फिट काबे में, और काबे के ताल्लुक से अल्लाह ताला ये कह रहा है कि फलयअबुदु रब्ब हादल बैत, के मुसलमानों को ये हुक्म करो कि वो इस काबे के रब की इबादत करें। ये नहीं कहा कि इस काबे की इबादत करें, काबे के रब की इबादत करें। तो भाई हमारे यहाँ तो बिल्कुल क्लियर है। देखो मसला क्या है अरविंद भाई, आपको आपके आपकी जो थियोलॉजी है वो क्लियर नहीं है। आप लोग इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं। उसकी वजह यह है कि जितने भी मुशरिकीन दुनिया के अंदर हैं वो सारे के सारे इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हर हाल में होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि वो थियोलॉजी इट डजंट मेक एनी सेंस। अब आपको ये लगता है कि यार जब हम इंफीरियर हैं, हम जरा हमारी थियोलॉजी के अंदर गड़बड़े, तो ये मुसलमानों को भी अपने साथ मिलाओ, कहो कि तुम भी जो है मूर्ति पूजा करते हो। जी नहीं, मूर्ति पूजा अगर हम मूर्ति पूजा कर रहे होते, जो जो काम हम करते हैं वो धड़ल्ले से करते हैं और डंके की चोट पर करते हैं और ऐलान करके करते हैं, ठीक है जनाब? मूर्ति नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप, अब आपको मैंने बहुत सारी दलीलें दे दी हैं, आज के लिए इतना ही। अब मेरे किचन में, मेरे किचन में अगर काला पत्थर है उसको खुदा के वास्ते छोड़ दीजिएगा। उसको आप, पता चला कि आपने जो है वहां पानी वानी डाल के जो है लिंग शिवलिंग की पूजा शुरू कर दी तो बड़ा मसला हो जाएगा, कई हजार का नुकसान हो जाएगा, ये सब मत किया करें, ठीक है? अब बारहवां जो शिवलिंग है वो आपका मक्के से शिवलिंग ही, ठीक है? ठीक चले, सही है, ठीक ठीक है। अच्छा जी, तो आसिम भाई, तो जिन लोगों ने इस वीडियो को फुल वॉच किया है और उन्हें लगता है कि ये नॉलेज दूसरों तक भी पहुंचनी चाहिए, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे और एक प्यारा सा कमेंट कर दे ताकि ये वीडियो दूसरों तक भी पहुंच जाए। तो मिलेंगे हम ऐसी ही अगली वीडियो के साथ, तब तक लिए रखे अपना बहुत सारा ख्याल। टिल देन बाय, अल्लाह हाफिज।